हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल माई सेल्फ डीएम शर्मा वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन। आई एम बैक विद द 10th वीडियो ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द थर्ड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। फ्रेंड्स In the last video, we had solved sum number 2 from exercise 3.4. Today we are going to solve the sum number 3 and sum number 5. So without wasting time, let's start. So friends, in exercise 3.4, sum number 3, the following table gives ages of 80 students selected from a college. So different ages are given and number of students means frequency is given. And we have to find the first quartile, fourth decile, and 32th percentile. So let us start. So first of all, we will prepare table like this, xi, fi and cumulative frequency we will find. So first fi is same, then 11 plus 14 will be 25, then 25 plus 22 will be 47, then 47 plus 15 will be 62, then 62 plus 8 will be 70, 70 plus 8 will be 76, and 76 plus 4 will be 80. So our n is 80. So friends, we have to find three sums here. So friends, we have to find here first quartile, fourth decile and 32th percentile. So let us start with the first quartile. So for Q1, the formula is 1 into n plus 1 upon 4th observation. So friends, 1 multiplied by the value of n is 80 plus 1 divided by 4th observation. Now 80 plus 1 will be 81, and 81 divided by 4 will be 20.25. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारा डेसिमल में आंसर आए तब हम एक अलग से फॉर्मूला लिखते हैं। पॉइंट के पहले 20 है तो हम लिखेंगे 20th ऑब्जर्वेशन, देन प्लस पॉइंट के बाद 25 है तो 0.25, देन इन द ब्रैकेट 20 के बाद आता है 21st ऑब्जर्वेशन और उसके बाद माइनस 20th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ सी एफ में देखेंगे तो 20 से बड़ी जो सबसे पहली सी एफ है वो है 25, और उसके सामने आपको मिल रहा है 18, तो आप यहाँ 18 लिख देंगे प्लस 0.25 एज इट इज। नाउ 21st ऑब्जर्वेशन। सो फ्रेंड्स, 21st ऑब्जर्वेशन भी आपको 25 में ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपका 21st ऑब्जर्वेशन भी 18 ही रहेगा, माइनस 20th ऑब्जर्वेशन भी आपका 18 ही था। सो 18 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो 18 प्लस एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। सो आवर फर्स्ट क्वार्टाइल विल बी 18 ओनली। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि अब इस समय अगर मैं ये नहीं भी करता, डायरेक्टली 20.25 आप देखेंगे वो यहाँ पर सेट होता है, इसके सामने 18, मैं डायरेक्ट Q1 18 लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है। तो अब आपको मैं इसका शॉर्टकट भी बता देना चाहूँगा कि अगर सपोज़ पॉइंट से पहले 20 है, अगर एग्जैक्टली 20 आपको सी एफ में मिल जाता है तो ही आप इस फार्मूला को अप्लाई करिए। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ यहाँ पर 20 ही होता तो 20.25 आपको यहाँ दिया हुआ है, तो 20th ऑब्जर्वेशन तो 18 हो गया, लेकिन अब 21st ऑब्जर्वेशन उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर 20.25 है तो 20 और 21st दोनों ऑब्जर्वेशन इसी के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो भी हर बार इस तरीके से 0 आंसर आएगा, और आपका Q1 आपको डायरेक्टली यहाँ से भी मिल सकता था। तो ये फार्मूला आप अप्लाई ना भी करें तो भी चलेगा। चलिए अब हम मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मीडियन के लिए जो फार्मूला है वो है n प्लस 1 अपॉन
टूथ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ आपके पास जो n है वो है 80 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. सो 80 प्लस 1 इज 81, और 81 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 40.5. तो आप देखिए, अगर आपको CF में एग्जैक्टली 40 मिलता है तो फिर आप इस तरीके का बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करिए, अदरवाइज डायरेक्टली 40.5 जिस रेंज में आता हो डायरेक्टली आपको सीधा आंसर ही मिल जाएगा. तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारी CF में कहीं पर भी एग्जैक्टली 40 नहीं है. 40.5 से बड़ी जो सबसे पहली CF है वो हमें 47 मिलती है, और उसके सामने जो XI है 19 वो हमारा मीडियन बन जाएगा. देयरफॉर आवर मीडियन इज 19. चलिए एक बार मैं आपको वो बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करके भी एक बार दिखा देता हूँ, उससे भी आप देख लेंगे हमारा आंसर सेम 19 ही आएगा. चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. m इज इक्वल टू आपका आंसर है 40.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 40th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 है तो हम लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 के बाद आता है 41st ऑब्जर्वेशन माइनस 40th ऑब्जर्वेशन. सो फ्रेंड्स, 40th ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि 40 यहाँ पर सेट होगा क्योंकि बाकी सब CF वो 40 से छोटी हैं, तो इसके सामने आपको 19 मिलेगा. तो आपका जो 40th ऑब्जर्वेशन है वो है 19 प्लस 0.5. अब आपको 41st ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स 41st ऑब्जर्वेशन भी एग्जैक्टली यही सेट होगा क्योंकि बाकी सारी CF उससे छोटी हैं, तो वहाँ पर भी आपको 19 ही लेना है. सो 41st ऑब्जर्वेशन 19 माइनस 14th ऑब्जर्वेशन अगेन 19. सो 19 प्लस 0.5, 19 माइनस 19 इज 0. सो 19 प्लस 0.5 इंटू 0 विल बी 0. तो यहाँ पर भी आपका m सेम 19 ही आया है. तो मैंने आपको जैसा कहा कि आप जब ये फार्मूला अप्लाई करें, चाहे वो मीडियन का हो, चाहे वो क्वार्टाइल का हो, चाहे वो डिसाइल का हो, डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो अगर आपको एग्जैक्टली CF में दिख जाता है तो ही आप इस फार्मूला की तरफ जाइए, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. आप डायरेक्टली इस 40.5 जहाँ सेट होता है उसके सामने वाली XI वो आपका आंसर बन जाएगी. नाउ फ्रेंड्स, वी विल कैलकुलेट फॉर द फोर्थ डिसाइल. सो D4 विल बी 4 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. सो फ्रेंड्स, 4 इंटू एन प्लस 1 यानी 80 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. सो 4 इंटू 80 प्लस 1 81. 81 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 8.1. सो फ्रेंड्स, 8.1 इंटू 4 विल बी 32.4th ऑब्जर्वेशन. सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट से पहले आपको 32 दिया हुआ है, तो जब आप CF में देखें तब देखिए कि एग्जैक्टली 32 आपको मिलता है. अगर एग्जैक्टली 32 मिल रहा है तो फिर आप बड़े फार्मूला की तरफ जाइए, अदरवाइज जहाँ पर 32.4 सेट होता हो उसके सामने वाली XI वो आपका D4 होगी. तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं 32 हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, तो 32.4 पूरे से बड़ी जो सबसे पहली CF है वो 47 ही है, और उसके सामने 19 है, तो 19 वो हमारा D4 होगा. नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर P32 मीन्स 32th परसेंटाइल. सो फ्रेंड्स, P32 विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन. सो 32 इंटू n की वैल्यू है 80 प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन. सो फ्रेंड्स, 32 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 0.81. नाउ 32 मल्टीप्लाइड बाय 0.81 विल बी 25.92th ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ भी फ्रेंड्स, पॉइंट से पहले हमें 25 दिया हुआ है. अगर हमें CF में एग्जैक्टली 25 मिल जाता है तो हम बड़े फार्मूला की तरफ जाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली हमें P32 मिल जाएगा. तो चलिए CF में देखते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें 25 एग्जैक्टली मिल जाता है. तो इस P32 को फाइंड करने के लिए हम बड़ा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें 25th और 26th दोनों
की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो 25th के सामने तो हमें मिल जाता है 18 और 26 वो हमारा 47 में सेट होगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा P32 वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद 92 है तो 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स 25th ऑब्जर्वेशन वो हमने अभी पीछे देखा तो हमें मिला था 18 प्लस 0.92। नाउ अब हमें चाहिए 26th ऑब्जर्वेशन, तो चलिए CF में देखते हैं। तो फ्रेंड्स 26th ऑब्जर्वेशन हमें जस्ट यहाँ नीचे मिलेगा जो है हमारा 19। तो यहाँ हम लिखेंगे 19 माइनस 25th ऑब्जर्वेशन वो फिर से हमारा 18 ही रहेगा। नाउ 18 प्लस 0.92, 19 माइनस 18 विल बी 1, सो 18 प्लस 0.92। सो फ्रेंड्स हमारा 32th परसेंटाइल वो होगा 18.92। नाउ फ्रेंड्स सम नंबर 5 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 3.4, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेस देन 200, फिर 200 टू 400, 400 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800 एंड 800 एंड अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको लेस देन 200 दिया हुआ है और यहाँ पर 800 एंड अबव दिया हुआ है, तो यहाँ आपके पास लोअर लिमिट नहीं है और यहाँ आपके पास अपर लिमिट नहीं है। तो इस टाइप का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम ओपन एंडेड क्लास कहते हैं। तो ओपन एंडेड क्लास जब भी दिया हो तो मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल कुछ भी फाइंड करने में हमारी कोई मेथड चेंज नहीं होती है, जैसे हम हर बार करते थे वैसे ही हम सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम टेबल में सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, देन 8 प्लस 23 विल बी 31, 31 प्लस 40 विल बी 71, 71 प्लस 17 विल बी 88, 88 प्लस 7 विल बी 95 एंड 95 प्लस 5 विल बी 100, सो आवर एन विल बी 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मीडियन फाइंड करेंगे, तो मीडियन के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास दिया हुआ है, तो क्लास जब भी दिया होता है तब हम प्लस 1 नहीं लिखते, तो डायरेक्टली एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो एन हमारे पास 100 है, 100 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ हमें मिलेगा 50th ऑब्जर्वेशन जिसे हम CF में देखेंगे। तो 50 से बड़ी सबसे पहली CF मिलती है हमें 71, इसके सामने वाली जो क्लास है उसमें जो लोअर लिमिट है वो हमारा L बनेगा। यहाँ पर भी डायगोनली एक का डिफरेंस ना होने के कारण हम 0.5 माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्टली L हमारा 400 हो जाएगा, F हमारा 40 हो जाएगा और CF वो हमारा 31 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तो हमने यहाँ पर सेपरेट सभी की वैल्यू लिख ली है। अब प्रॉब्लम सिर्फ C के लिए है, यहाँ पर हर एक क्लास में सेम क्लास लेंथ नहीं है। आप देख सकते हैं 200 टू 400 में इसमें आपको 200 का गैप मिलेगा, 400 टू 600 में भी आपको 200 का गैप मिलेगा, लेकिन 600 से 700 में आपको 100 का यानी कि 100 का ही गैप मिल रहा है। तो इस टाइप के जिसमें अलग अलग क्लास लेंथ हो उसमें आपकी जो CF की रेंज है उसके सामने जो क्लास आया है या आपकी जो लोअर लिमिट वाली जो क्लास है उस क्लास का क्लास लेंथ आपको लेना है। यानी यहाँ पर 400 टू 600 है तो 600 में सिर्फ 400 जाएंगे तो आपको 200 मिलेगा, तो आपका क्लास लेंथ यहाँ पर 200 रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस एन बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई C, सो द वैल्यू ऑफ L इज 400 प्लस एन बाई 2 इज 50 माइनस CF इज 31 डिवाइडेड बाई F इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 200, सो 400 एज इट इज़ प्लस 50 माइनस 31 विल बी 19, 19 इंटू 200 एंड डिवाइडेड बाय 40, सो 1400 प्लस 19 टू ज़ 3800, 3800 डिवाइडेड बाय 40 यू विल गेट 95, सो हियर आवर मीडियन विल बी
495. सो फ्रेंड्स, अभी भी 3.4 के कुछ सम्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द मेथड्स, फॉर्मूलास एंड सम्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज ऑन द वेरी फर्स्ट डे. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलता रहे. बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें. गुड बाय.